हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करूंगा साउथ मूवी रणसिंघम के बारे में। तो आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिल्म राणा सिंघम एक भारतीय तमिल भाषा की राजनीतिक ड्रामा फिल्म है जिसमें विजय सेतुपति और ऐश्वर्या राजेश एक साथ दिखने वाले हैं। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें एक अरियानाची नाम की गरीब महिला अपने मरे हुए पति के शरीर को दुबई से भारत लाने का प्रयास करती है, परंतु यहाँ के राजनीतिक भ्रष्टाचार के वजह से इसे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस फिल्म को IMDb तरफ से 7.4 का रेटिंग दिया गया है। इस फिल्म को 2019 में शुरुआत किया गया था बनाने के लिए, परंतु COVID-19 के वजह से इस फिल्म को 2020 में रिलीज किया गया। फिल्म का शुरुआत होता है एक समारोह से जिसमें राणा सिंघम की छोटी बहन, उसके माँ और उसकी पत्नी रहती है, जिसमें कुछ पुलिस वाले आते हैं और वे बताते हैं कि राणा सिंघम की मौत दुबई में पुलिस के विद्रोह के दौरान हो गया। जैसा कि सभी लोग इसमें अब सदमे में आ जाते हैं, सबका दिल टूट जाता है और वे राणा सिंघम के शरीर को भारत लाने का प्रयास करती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि राणा सिंघम के पास एक दिव्य दृष्टि रहती है जिसके माध्यम से उसे पता चलता है कि भूमिगत जल का निकासी कहाँ से हो किया जा सकता है। तो इसी बीच में उसके मुलाकात एक अरियानाची नाम की महिला से हो जाती है जिससे उसे प्यार हो जाता है और फिर दोनों को शादी हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि राणा सिंघम एक बार आंदोलन में भी सम्मिलित होता है, परंतु परिवार की स्थिति बढ़िया नहीं होने के वजह से उसे दुबई भी जाना पड़ता है जहाँ पे वो काम करता है। वहाँ से वो कॉल करता है अपनी पत्नी अरियानाची के पास और अपना हाथ दिखाता है जिसमें वह टैटू बनाया हुआ रहता है। फिर दीवान में दिखाया जाता है कि उसकी पत्नी कोर्ट जाती है जहां उसे न्याय नहीं मिल पाता है। फिर वह सांसद में भी जाती है जहां उसे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो यदि आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है जहां से आप आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं। तो फिल्म कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट करके, और इस तरह का यदि कोई फिल्म की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।